नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अप्रेंटिस गुरुजी पर। दोस्तों, अभी तक हम जिस पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप का कार्य करते आए हैं उस पोर्टल का URL था apprenticeship.gov.in। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत सरकार द्वारा एक नया पोर्टल इस कार्य हेतु चालू कर दिया गया है और नए पोर्टल के चालू करने के साथ ही पुराने वाले पोर्टल की सभी एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका केवल पुराने वाले पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन है और अब वो नए वाले पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे डिपार्टमेंट्स को मैं बता देना चाहता हूं कि आपको नए वाले पोर्टल पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुराने वाले पोर्टल का डाटा अब नए वाले पोर्टल के डाटा पर शिफ्ट कर दिया गया है। यानी दोस्तों, आपका नए वाले पोर्टल पर पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बस आपको जरूरत है उस नए वाले पोर्टल पर लॉगिन करने की। तो दोस्तों, क्या है वो तरीका जिसके द्वारा आप बगैर रजिस्ट्रेशन किए नए वाले पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि नए पोर्टल पर हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं, वो भी बगैर रजिस्ट्रेशन के। तो दोस्तों, हम आ गए हैं ब्राउज़र की स्क्रीन पर। आप आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या पीसी में कोई भी ब्राउज़र खोलकर इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें गूगल के ऑप्शन में जाकर हमें लिख देना है अप्रेंटिसशिप इंडिया। और दोस्तों, अप्रेंटिसशिप इंडिया लिखकर हमें सर्च कर देना है। दोस्तों, इसमें सबसे ऊपर जो आपके पास रिजल्ट आएगा जिसका URL रहेगा apprenticeshipindia.org, इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये हमारे सामने apprenticeshipindia.org वेबसाइट का होम पेज खुल चुका है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन और रजिस्टर का। दोस्तों, यहाँ पे हमें लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है क्योंकि हमारा पुराने वाले पोर्टल पर पहले से ही रजिस्ट्रेशन है और उसका डाटा भी इस पोर्टल पर आ चुका है, तो हमें लॉगिन के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। दोस्तों, लॉगिन के लिंक पर क्लिक करने के उपरांत आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन रहेगा ईमेल आईडी और कैंडिडेट कोड का और दूसरा ऑप्शन रहेगा एंटर पासवर्ड का। तो दोस्तों, यहाँ हमें इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। दोस्तों, हमें क्लिक करना है फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर। तो दोस्तों, फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको सिर्फ वही ईमेल आईडी भरनी है जो आपने पुराने वाले पोर्टल पर भर रखी है। तो मैं यहाँ पर अपने पुराने वाले पोर्टल की मेल आईडी भर देता हूँ। दोस्तों, मेल आईडी भरने के पश्चात हमें सेंड पासवर्ड रिसेट लिंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये सक्सेस का लिंक खुल जाएगा और पासवर्ड रिसेट मेल हैज़ बीन सेंड टू यूअर मेल आईडी का मैसेज हमें शो करेगा। तो दोस्तों, हमारी मेल आईडी पर पासवर्ड रिसेट करने का लिंक चला गया है और अब हमें हमारी मेल आईडी को ओपन कर लेना है और वहाँ से हम अपने पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमें यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप इंडिया से हमारे पास चेंज पासवर्ड की मेल आ चुकी है और हम इसको यहाँ से खोल लेंगे। आप आपके पीसी या लैपटॉप में भी खोल सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में ये ईमेल आईडी खोल ली है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्लिक बिलो टू चेंज योर पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा और उसके नीचे रिसेट पासवर्ड का लिंक आपको दिया गया है। तो दोस्तों, आपको रिसेट पासवर्ड के लिंक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको सेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा और
उसके नीचे आपको दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी वो मेल आईडी भर देनी है जो आपने पुराने वाले पोर्टल पर दी हुई है, यानी जिस मेल आईडी पर आपका जो पासवर्ड का लिंक प्राप्त हुआ है उस मेल आईडी को यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर वो मेल आईडी एंटर कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना एक पासवर्ड टाइप कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद हमें सेट न्यू पासवर्ड के लिंक पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर सेट न्यू पासवर्ड के लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास अभी मैसेज दिखाई देगा स्क्रीन पर, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। उस पासवर्ड के द्वारा अब हम इस पोर्टल पर आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके पश्चात हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके पश्चात हम जो हमारी वेबसाइट है उसके होम पेज पर वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों हम दोबारा से इस वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। अभी हमें क्लिक करना है लॉगिन के लिंक पर। दोस्तों लॉगिन के लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एंटर मेल आईडी और एंटर पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको वही मेल आईडी भर देनी है जो आपने पुराने वाले पोर्टल पर डाल रखी है। तो मैं यहाँ पर पुराने वाले पोर्टल की मेल आईडी भर देता हूँ दोस्तों। मेल आईडी और पासवर्ड भरने के उपरांत आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके पश्चात आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ईमेल आईडी और पासवर्ड भरने के पश्चात हमारे सामने ये होम पेज खुल जाता है और सबसे पहले आपको डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। डैशबोर्ड में आपके डिपार्टमेंट की अलग अलग चीज़ें जैसे कि अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़, यानी आपने किस किस ट्रेड की सीटें क्रिएट कर रखी हैं, और उसके बाद इन्विटेशंस, यानी आपने कितने कैंडिडेट्स को इन्विटेशंस भेज रखे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप एप्लीकेशंस देख सकते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, वो सारी एप्लीकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट्स का, यानी आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव किए हैं वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके पश्चात आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको आपकी प्रोफाइल पूरी कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों इस वेबसाइट को जब हम ओपन करेंगे तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो इनकम्प्लीट मिलेंगी, तो उनको हमें यहाँ कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऑप्शन पर जाकर पूरा कर लेना है। तो दोस्तों मैं कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन रहेगा बेसिक डिटेल्स का दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेसिक डिटेल्स में इस्टेब्लिशमेंट, नेम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी जो बेसिक डिटेल हैं वो आपको यहाँ पर दिखने वाली हैं। तो इन चीज़ों में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ एडिट के ऑप्शन पर जाकर इनमें कोई भी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आप इस्टेब्लिशमेंट नेम, अगर आपको आपके इस्टेब्लिशमेंट का नाम चेंज करना है तो वो भी आप यहां से अब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले वाले पोर्टल में कुछ दिक्कत इस तरह की थी कि जब हम किसी डिपार्टमेंट का किसी नाम से रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो बाद में उस नाम को चेंज करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन दोस्तों इस पोर्टल पर आपके इस्टेब्लिशमेंट का नाम आसानी से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी, इस्टेब्लिशमेंट टाइप वो स्टेट गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, उसके बाद मिनिस्ट्री की किस मिनिस्ट्री में आता है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है, यहाँ पर
आप देख पा रहे होंगे स्टार मार्क जो रेड कलर में दिया गया है वो सारे कॉलम मैंडेटरी हैं, यानी इन कॉलम्स को भरना अनिवार्य है। बाकी के जो कॉलम जैसे मिनिस्ट्री, अदर मिनिस्ट्री, ये जितने अलग तरह के कॉलम जिन पे स्टार मार्क नहीं दिया गया है उनको भरना मैंडेटरी नहीं है। दोस्तों ये चीज़ें प्राइवेट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें मैंडेटरी रहेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप आपकी जो बेसिक डिटेल हैं यहाँ से भर के उसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिक डिटेल के बाद हम देखेंगे रजिस्टर्ड एड्रेस का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो आपका जो डिपार्टमेंट का या इस्टेब्लिशमेंट का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आप यहाँ पर एडिट करके उसमें अगर कोई चेंज आप करना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद ऑप्शन है हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, तो यहाँ से एडिट के ऑप्शन पर जाकर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की का नाम, उनकी मेल आईडी, उनका डेजिग्नेशन, उनके सिग्नेचर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद एम्प्लॉयर डिटेल की जो डिटेल्स होती हैं वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये एडिट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप एम्प्लॉयर डिटेल भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद लोकेशन, जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है उसका लोकेशन जो भी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बैंक डिटेल का ऑप्शन दिया गया है, तो आप आपके डिपार्टमेंट की बैंक डिटेल भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको आपकी प्रोफाइल, आपके डिपार्टमेंट की प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी नए वाले पोर्टल पर लॉगिन करने संबंधी क्वेरी दूर हुई होगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरी दूर हुई है या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।